तो वेलकम बैक गाइस, और भाई कैसे हो तुम सब लोग। तो फाइनली आई एम बैक काफी दिनों के बाद। तू कौन है बे? देखो आज है 7 तारीख और आज थॉर लव एंड थंडर रिलीज हो चुकी है, जिसको मैं देख के आ चुका हूँ। तो अपन इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसी थी ये मूवी, अच्छी थी या खराब, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और टेंशन मतलब मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला। तो इंट्रो के साथ करते हैं वीडियो शुरू। अब देखो ये जो थॉर लव एंड थंडर है, ये थॉर फ्रेंचाइज की 4th मूवी है और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं टाइका वाटिटी। ये वही सेम बंदा है जिसने थॉर रैग्नारोक मूवी को डायरेक्ट किया था। तो अब यहाँ पे तुम कॉमेडी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इस मूवी में थॉर रैग्नारोक से भी ज्यादा कॉमेडी है। मतलब काफी ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे देख के तुम्हें जेन्युइनली हंसी आएगी। मतलब यहाँ पे 2 कैरेक्टर बात कर रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में तो कुछ और ही हो रहा है। तो ये जो कॉमेडी वाला पॉइंट है ना, ये इस मूवी के लिए काफी बढ़िया भी है और काफी खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। और अगर तुम स्टोरी वाइज भी देखो तो स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम बेसिक है। थॉर यहाँ पे अपनी जर्नी पे निकला है, जेन फॉस्टर यहाँ पे वर्दी बन चुकी है और गॉड दी गॉड बुचर नाम का एक विलन आ चुका है जो कि सारे गॉड को मार रहा है और उसका एनकाउंटर अब थॉर के साथ होता है। यही है इस मूवी की स्टोरी। इसके अंदर तुम्हें काफी अच्छा एक्शन भी देखने को मिलेगा कॉमेडी के साथ, और काफी वाइब्रेंट और ब्राइट कलर यूज किए हैं मूवी में जो कि इस मूवी को एक हैप्पी वाइब और एक लाइट टोन देते। अब ये तो अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ से मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा इस मूवी के बारे में जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। देखो ऑनेस्टली ये मूवी काफी सीरियस और बढ़िया मूवी बन सकती थी एक कॉमेडी मूवी बनने की बजाय, लेकिन अब ये एक एडवेंचरस कॉमेडी मूवी बन के रह चुकी है। अगर तुम इसकी स्टोरी वाइज भी देखो तो इसकी स्टोरी काफी बेसिक है, कुछ ज्यादा नया नहीं है मूवी में। और ऊपर से इसका रन टाइम देखो, ये मूवी 2 घंटे की है, मतलब काफी फास्ट पेस्ड मूवी है। और 2 घंटे में तुमको थॉर की स्टोरी दिखानी है, जेन फॉस्टर की स्टोरी दिखानी है, गॉड दी गॉड बुचर की स्टोरी दिखानी है, इतना सब कुछ 2 घंटे में कैसे पॉसिबल है? एंड देन इसके बाद विलन, देखो यार गॉड दी गॉड बुचर के अंदर काफी तगड़ा पोटेंशियल था कि वो एमसीयू का सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट विलन बन सकता था, लेकिन उसके पोटेंशियल को इस मूवी में वेस्ट कर दिया है। अब जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है इस मूवी को देख के वो पक्का डिसअपॉइंट होने वाले, क्योंकि देखो कॉमिक्स में गॉड दी गॉड बुचर बहुत ही तगड़ा बैडएस काफी डार्क और सीरियस विलन है, लेकिन मूवी के अंदर अपने को उसका 10% भी नहीं दिखाया है। अब ये बात मैं जानता हूँ कि सबको कॉमिक का नॉलेज नहीं होता, मेरे को भी इतना नहीं है, लेकिन मेरे को इतना तो बेसिक नॉलेज था कि गॉड दी गॉड बुचर काफी डार्क और सीरियस विलन है जिसने थॉर के जिंदगी के लगाए थे। जो इम्पैक्टफुल विलन कॉमिक्स में गॉड बना था वो इम्पैक्ट इस मूवी में नहीं डाल पाता वो, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन ही इतना सही नहीं किया है और ऊपर से काफी कम स्क्रीन टाइम भी मिला है गॉड को। लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम गॉड को मिला है उसमें क्रिश्चियन बेल ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है और बाकी सब ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर मैं मेरा फाइनल कंक्लूजन दूं तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी है, एक्शन है, सबने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इस मूवी के अंदर कॉमेडी के बजाय थोड़ी सीरियसनेस होनी चाहिए थी और गॉड दी गॉड बुचर के ऊपर थोड़ा और फोकस करना चाहिए था तो ये मूवी काफी बढ़िया बन सकती थी। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक ठीक ठाक अच्छी मूवी है। और अगर तुम गॉड दी गॉड बुचर के कैरेक्टर से काफी तगड़ी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो तो तुम्हें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। और वैसे तो मैं गॉड के कैरेक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो तो बनाने ही वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना। तो अपने एक्सपेक्टेशन काफी कम रख के इस मूवी को देखने जाना अगर देखने का प्लान बना रहे हो तो। और अगर तुम्हें ये मेरी बकवास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो ना। पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मुझे पता है तुम्हें वो देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अबे यार शिट, बैकग्राउंड म्यूजिक वाला पॉइंट तो मैं वीडियो के अंदर डालना ही भूल गया। शिट, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा।